तो देखिए अपेक्षा रेडी है आज आप रेसिपी नंबर 4 के साथ। यस 12 मिनट चैलेंज में अपेक्षा आज रेसिपी नंबर 4 लेके आई है। देखिए तैयारी सारी हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने बिल्कुल एक्सटेंडेड तैयारी। और आज क्या बन रहा है बच्चों के टिफिन में या ऑफिस लंच डब्बे में, अब हम 12 मिनट में जानेंगे। तो ये लाइव वीडियो है, ध्यान रखिएगा जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में। तो स्टार्ट करते हैं हम टाइमर अपेक्षा। यस करें तो ये देखिए स्टार्ट हो गया है, लाइव वीडियो है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे मैं पहले केटल को ऑन कर रही हूँ, मुझे पानी उबालना है। ब्यूटीफुल केटल, हाँ ये आपकी मम्मी की है, आई नो इट्स अ हेरिटेज केटल, बहुत ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे मैंने दूसरा पैन ऑन किया है। ओके तेल डाल के मैं टेम्परिंग करना चालू करूंगी। ओके थोड़ा गर्म होने देते हैं। और तब तक हम हमारी वेजिटेबल्स पे जाते हैं। मैं कैप्सिकम मैंने ऑलरेडी धोके रखा था, धोके पोंछ के रखा है, तो मैं उसको चॉप कर रही हूँ थिन स्लाइस। ओके तेल थोड़ा सा गर्म हुआ है तो मैं पीनट्स को रोस्ट कर रही हूँ। ओके बिकॉज इट टेक्स अ लिटिल व्हाइल, पीनट एंड सम कैशूज, उसको मैं ओके रोस्ट पे रख दिया। हाँ सॉटे कर रहे हैं, देखिए इसको हम अच्छे से ये सिक जाएं। या और केटल में पानी गर्म हो चुका है तो अभी हम केटल की तरफ चलेंगे। अभी देखिए यहाँ पर और क्या क्या काट रहे हैं हम? मैं चिल्लीज को काट रही हूँ। ओके These are non-spicy green chilies. और ये डिश में चिली डालेंगे तो स्वाद ज्यादा आएगा। Okay. But if your children don't eat spicy food, you can, you know, very well skip this. Okay. यहाँ पे सॉटे हो रहा है केटल में हमारा पानी, जल्दी देखिए यहाँ पे गर्म हो चुका है। तो क्या करना है हमें? मैं उसको अभी बंद कर दूंगी। I'm going to take it this side. ओके और मैंने एक पैन लिया है, मैं गरम पानी उसमें डालूंगी। आप देख सकते हो कि इट्स बॉइल्ड वेल। ओके तो ये बॉइलिंग होना चाहिए, राइट? बॉइलिंग होना चाहिए। ओके तो अपेक्षा यहाँ पे हम देखते हैं और उसमें मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी। ओके तेल और थोड़ी सी नमक। ओके राइस नूडल्स या राइस शावगे उसको मैं डाल के, वो पानी इतना होना चाहिए जितना कि वो यू नो द शाविगे इमर्सेस वेल। अच्छा तो इसको क्या बोलते हैं, शाविगे? शाविगे राइस, राइस सेवैया, राइस सेवैया कर राइट, राइस सेवैया इसको बोलते हैं। शाविगे इसका ट्रेडिशनल नाम है कर्नाटका में। तो देखिए इसको बोला जाता है शाविगे या राइस वर्मिसली हम यहाँ पे बोल सकते हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं, मैं अपना साउथ इंडियन का सारे वो टेम्परिंग डालूंगी उसमें, मस्टर्ड ओके उड़द दाल ओके और चना दाल। ओके तो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं जरूर बताइएगा। दिस इज हींग एसोफोटेरा, एसोफोटेरा चाहिए एंड रेड चिली, ये बाड़गे चिली बोलते हैं उसको, आपकी देगी कश्मीरी लाल मिर्ची जो है, ये दीज आर नॉट स्पाइसी बट ओनली फॉर टेस्ट एंड कड़ी पत्ता। ओके डाल के मैं उसको थोड़ा अभी घुमा लेती हूँ, फ्लेम को थोड़ा ऊपर कर रही हूँ, हाई रखेंगे हम फ्लेम। हाँ सो देखिए हम यहाँ पे टाइमर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए 8.5 मिनट बचे हुए हैं हमारे पास, अभी ये 4 मिनट में अपेक्षा ने पूरा कर दिया। वहाँ पे वो चॉपिंग कर रही है, चॉपिंग में क्या दिखा रहे हैं? मैं आम ले रही हूँ, ये कच्चा केरी है। ओके कच्चा केरी को मैं पहले इसको क्या करती हूँ, इसको पहले हम पील करेंगे और फिर वो आपको दिखा रही है। आपको ये कैसी लग रही है 12 मिनट चैलेंज सीरीज, जहाँ पे अपेक्षा लाइव वीडियो में कटिंग चॉपिंग कुकिंग सब करके दिखा रही है, ताकि हम लोग भी सुबह सुबह अपना ब्रेकफास्ट या बच्चों का टिफिन या ऑफिस लंच बना सके। और इसको मैं घीस लूंगी, I'm going to grate it. Okay. तो देखिए ग्रेट कर रहे हैं बिल्कुल, अपेक्षा यहाँ पे दिखा रही है। तो लाइक शेयर जरूर करिए, बहुत मेहनत लगती है ये लाइव वीडियो चैलेंज दिखाने में। और ये देखिए अब मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिली, ये फ्राई हो चुका है हमारा जो। और हमें शाविगे यानी कि राइस सिवैया को हमें कितनी देर रखना है? वो एटलीस्ट टिल इट कुक्स वेल 2 to 3 मिनट्स तो लगेगा। ओके ये सब डाल के उसकी तरफ जाते हैं। तो देखिए अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करिए। वर्मिसली सिवैया होती है, वर्मिसली आप ले सकते हैं, राइस से बनी हुई है, तो सुपर हेल्दी रेसिपी आज अपेक्षा यहाँ पे बना रही है। अभी मैं डालूंगी हल्दी टर्मरिक एंड आई हैवंट पुट एनी सॉल्ट टिल नाउ, सो आई वांट टू ऐड सम सॉल्ट। तो देखिए ये तो एक रेसिपी है, पर ऑफिस लंच में तो हमें वैरायटी रखनी होगी ना, तो साइड में हम यहाँ पर मैंने ये गैस को भी मैंने चालू कर दिया है अभी। ओके सो साइड में हम हमारे बच्चों के लिए, यू ऑलवेज लाइक यू सेड अपेक्षा इज
ऑलवेज नीड समथिंग एक्स्ट्रा. सो आज मैं फ्राई करने वाली हूँ मखाना. मखाने यानी कि फॉक्स नट्स, लोटस सीड्स बहुत हेल्दी होते हैं. और ये देखिए, तब तक हम हमारे मखाने भी यहाँ पे डाल देंगे और इनको घी में रोस्ट करिएगा, तभी ये पॉपकॉर्न जैसे लगेंगे आपको. ये 4 से 5 मिनट इनको लगता है यहाँ पे फ्राई होने में. और अब हमने कच्ची कैरी यहाँ पे डाल दी है. कच्ची कैरी डाल दिया मैंने. ओके. और इसको मैं स्टर कर लूंगी. तो देखिए, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करिए. जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में. अगर हमें राइस सिवैयां नहीं मिले तो क्या हम नॉर्मल वर्मिसली यूज कर सकते हैं? नॉर्मल वर्मिसली को यू विल हैव टू बॉइल इट इन वाटर. नहीं तो आप राइस भी यूज कर सकते हैं. राइस कर सकते हो या आप चावल यूज कर सकते हैं, चावल बना सकते हैं. कच्चे आम के चावल बन जाएंगे जो कि बहुत पॉपुलर है साउथ इंडिया में. और ये कौन सी फ्लेम पे हम सेक रहे हैं मखानों को? मखाना को मैंने मीडियम फ्लेम में मैं सेक रही हूँ. ओके. 2 मिनट में बन जाएगा ये. ओके. अभी हम लोग जाते हैं टेक अ लुक एट द राइस. हाँ, सो कैन यू गेट इट अपेक्षा यहाँ पे आप दिखा सकते हैं. तो दिखा दीजिए. नूडल्स इट्स ऑलरेडी नाइसली कुक्ड. बॉइलिंग वाटर जो डाल दिया. राइस सिवैया ना 2 से 3 मिनट में हो जाते हैं, पर अगर आप वर्मिसली यूज करेंगे जो सूजी की बनी हुई होती है तो उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा. और ये देखिए, नहीं तो आप राइस यूज करिए चावल. अब हम क्या करेंगे, उसको स्ट्रेन करें. स्ट्रेन कर दूंगी. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्ट्रेन हो रहा है. अभी हमारे पास 5 मिनट बचे हैं और 5 मिनट में हमारे पास एक सरप्राइज है. कहते हैं कि जब भगवान के भजन या श्लोक हम गाते हैं तो आंटी आप आ सकते हैं. अभी यहाँ पर सरप्राइज है. अपेक्षा की मम्मी, जिन्होंने कल हमें अक्की रोटी सिखाई थी, आंटी आप बहुत अच्छा गाते हैं, राइट? तो आंटी आप एक एक श्लोक हमारे लिए गा सकते हैं ताकि हमारा प्रसाद बन जाए जो आज हमारे लंच में बन रहा है. आई एम सिंगिंग सॉन्ग द लहरी फर्स्ट श्लोक का. ओके. शक्तियायुतो यदि भवति शक्त प्रभवितुम न चेदेवं देवो न खलु कुशल स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहर विरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृत पुण्यः प्रभवति. वेरी नाइस आंटी, बहुत अच्छा आपने गाया. अपेक्षा क्या इंग्रेडिएंट आप डाल रहे हैं आप बताइए. ओके, सो देखिए यहाँ पर ठंडे पानी में अपेक्षा, वहाँ पे देखिए ठंडे पानी में वो कर रही है, उसको धो रही है वो. और ये देखिए अब इसको ऑयल के संग हम करेंगे यहाँ पे. ओके. इट्स नॉट स्टिकी. हाँ हाँ, उसका ये मतलब है कि वो हो गया है. तो इधर डाल के, तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पे लंच बॉक्स रेडी हो गया. अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा. तो यहाँ पे देखिए कितना टेस्टी यहाँ पे लंच बॉक्स टिफिन बॉक्स बन रहा है. ये जबरदस्त रेसिपी लाइव आपके सामने हो रही है. और नमक डालती हूँ. एंड ये क्या है, इसमें आपने क्या क्या डाला है अपेक्षा? मैंने अभी थोड़ा सा हल्दी डाला है. देखिए जो हल्दी उन्होंने ऑलरेडी डाला है और नमक भी आपको डालना है. नमक और हल्दी उन्होंने डाला है तो वो डाल के डालिएगा ताकि मखानों में टेस्ट आए. थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ. मखाना सिक गया है, मुझे अच्छा खुशबू आ रहा है. सो वी नो इट इज ऑलरेडी नाइसली रोस्टेड. तो इसको मैं ऐसे ही टॉस कर देती हूँ और मैं गैस बंद कर दूंगी. और ये कैसे पता चलेगा कि मखाने सिक गए? वो इफ यू एक्चुअली पिक इट अप एंड इट्स वेरी हॉट. या इट्स वेरी हॉट और पॉप. देखिए आवाज आएगी. इट्स लाइक बिकम्स लाइक अ पॉपकॉर्न. तो मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है पर्सनली. आई ईट इट ऑलमोस्ट डेली. ये देखिए, आपको खाके पता चल जाएगा जो आवाज आ रही है ना, इसका मतलब ये सिक चुके हैं. एकदम पॉपकॉर्न जैसे टेस्ट करेंगे, क्रंची और टेस्टी. ये शाविगे इज ऑल्सो डन. उसको मैं अभी गार्निश करूंगी. हाँ हाँ, धनिया डालती हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा पेरी पेरी पाउडर है वो हम डाल देंगे. तो ये पेरी पेरी यहाँ पे रेडी हो चुका है. और ये देखिए हमारा शावे के भात रेडी हो चुका है. तो टिफिन का हमारा सब कुछ रेडी है. 1.5 मिनट बचे हैं. धनिया से आप गार्निश करेंगे. टिप के बारे में हम अभी बात करेंगे अपेक्षा बाद में, पर पहले धनिया यहाँ पे डाल लेते हैं फटाफट हम. और ये आम है आज का टिफिन बॉक्स में मैं आम. तो ये देखिए हमारा टिफिन बॉक्स में आम. अभी बच्चों का सीजन चल रहा है तो फटाफट हम यहाँ पे करेंगे. आम को पील कर रही है अपेक्षा. देखिए हमारा टिफिन बॉक्स रेडी हो चुका है. टाइमर में हम दिखा देते हैं
आपको 50 सेकंड बचे हुए हैं, तो 11 मिनट के अंदर आपके मखाने रेडी हैं, आपका चावे के भात रेडी है यानी कि राइस सिवैया जो होती है वो रेडी है, और साथ में ये आम भी देखिए अपेक्षा क्या फटाफट कुक करके लाए, वो काट के लाई है बिल्कुल अपेक्षा। तो ये 35 सेकंड में आपने कर लिया है, बस हमारा टिफिन बॉक्स, हम टाइमर काउंट कर सकते हैं, टिफिन में लगा भी दिया है तो आप सर्व भी कर सकते हैं विद इन 12 मिनट्स में। क्या शानदार, ये आपके लिए रेडी हो चुका है अपेक्षा, दिस इज लुकिंग वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। और टाइमर में 3, 2, 1 और वो देखिए टाइमर हम आपको दिखा देते हैं, 12 मिनट हमारे लाइव यहाँ पे हो चुके हैं, खत्म हो चुका है हमारा टाइमर और अपेक्षा ने आज ये चैलेंज मीट कर लिया है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट टिप जो हम आपको बताने वाले हैं वो है कि धनिया को 1 महीने कैसे स्टोर करें, राइट तो इसका क्या है टिप? सो बाजार से लाया हुआ धनिया को मैंने कुछ किया नहीं, थोड़ा सा जो गंदगी है नीचे से मैंने उसको काट दिया है और एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में पानी भर के उसमें आई हैव जस्ट प्लेस it here. Okay. And what you have to do is every only change the water okay. and remove all the leaves that are limp. Okay. And इसको एक प्लास्टिक बैग ढक के आप दिखा दीजिए एक बार कैसे आप ढकते हैं, तो देखिए ऐसे अगर आप फ्रिज में स्टोर करोगे इट रिमेन वेरी फ्रेश। ओके सो देखिए 1 महीने तक ये स्टोर रहेगा, तो आपको नीचे का हटा देना है, इसका पानी चेंज करते रहना है हर हफ्ते, और फ्रिज में प्लास्टिक के इसे ढक दीजिए तो इट विल बी 1 मंथ के लिए फ्रेश। सो इट हैज वर्क, यू कैन ट्राई द सेम थिंग इन द मिंट पुदीना। ओके ओके सो थैंक यू सो मच अपेक्षा, प्लीज शो योर टिफिन बॉक्स, आपने इतनी अच्छी टिप हमें यहाँ पर बताई, बहुत अच्छा मजा आया। तो देखिए अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, जो दिखता है वो ही बनता है, जायका का तड़का में आज का टिफिन बॉक्स यहाँ पे रेडी है। बाय बाय एवरीवन।